हाय गाइस, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अच्छा पढ़ो, विच इज अ डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। तो आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर और माइक्रो माइल्ड प्योर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली व्हीकल्स एंड बेटर फ्यूल एफिशिएंसी व्हीकल्स, द ऑटोमोटिव कंपनीज आर मोर अटेंशन। जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जैसे ऑडी, डैमलर, जनरल मोटर्स, टोयोटा, हुंडई, फिएट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारी कंपनीज अभी ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस कर रही हैं या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस कर रही हैं। एंड दीज व्हीकल्स आर बेसिकली पावर्ड बाई अ बैटरी सिस्टम या इनके इंजन में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से इनका जो व्हीकल का परफॉर्मेंस होता है वो इम्प्रूव होता है। साथ ही साथ इनकी जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है, इकोनॉमी होती है, वो भी इंक्रीज की जाती है, इम्प्रूव की जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो इसके अंदर एमिशंस क्रिएट होते हैं इन इंजन्स के अंदर, इन कार्स के अंदर, वहाँ पर वो पॉल्यूशंस लेवल, वो एमिशंस लेवल को डाउन किया जाता है, कम किया जाता है। एज वी नो दैट अ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कम्बाइंस एनी टू एनर्जी सोर्सेज। बेसिकली HEVs के अंदर एक होता है आपका स्टोरेज मीडियम जिसको हम बोलते हैं बैटरी सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा कन्वर्जन ऑफ फ्यूल टू एनर्जी जहाँ पर हम यूज करते हैं अपने IC इंजन को, इंटरनल कम्बशन इंजन को। सो वी कैन से दैट अ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कम्बाइंस अ गैसोलिन इंजन विथ एन इलेक्ट्रिक मोटर और डीजल इंजन विथ एन इलेक्ट्रिक मोटर। और जो HEV की कॉन्फिग्रेशन होती है, जो पेयर्ड होती है HEVs की, वो बेस्ड होती है आपके सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे या पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन पे। दैट मींस द गैसोलीन इंजन चार्जेस द बैटरीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट पावर्स द कार्स विथ बोथ मैकेनिज्म ड्राइविंग द कार डायरेक्टली। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ HEVs की, तो HEVs की क्लासिफिकेशन वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, जैसे आर्किटेक्चर्स ऑफ HEVs, हाइब्रिडाइजेशन, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। यहाँ पर जो हम HEVs की क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं वो बेस्ड है आपकी डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो बेसिकली द डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज वेल डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर टू द पावर कंज्यूम बाय द व्हीकल। यहाँ पर बेसिकली डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होता है, IC इंजन एक दूसरा पावर सप्लाई यूनिट है और इलेक्ट्रिक मोटर दूसरा पावर सप्लाई यूनिट है। अब ये दोनों पावर सप्लाई यूनिट को कंबाइन करके HEVs के अंदर यूज किया जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं इट इज अ टू वे पावर सप्लाई सिस्टम एंड इट इज लाइकली टू बी कन्वर्टेड टू हाइब्रिड एज एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर विच इज टोटली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। और दूसरी बात, जो डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की आउटपुट होती है वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है आपका मोटर पावर के ऊपर या इंजन पावर के ऊपर। अब अगर हम डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात करें क्लासिफिकेशंस की HEVs की, तो यहाँ 3 टाइप की HEVs आती हैं। फर्स्ट है हमारा माइक्रो HEVs, दूसरा है माइल्ड HEVs और तीसरा है प्योर HEVs। तो पहले हम बात करते हैं माइक्रो HEVs की। तो माइक्रो HEVs के पीछे जो टेक्नोलॉजी होता है वो होता है आपका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। अब देखिए स्टार्ट स्टॉप सिस्टम होता है क्या, तो ये पूरे सिस्टम को, पूरे कार का सिस्टम को डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली इंजन को टर्न ऑफ कर देता है जब आपका इंजन आइडियल कंडीशन में जाने लगता है या व्हीकल रुकने के कंडीशन में आने लगती है। और इसके पीछे का जो पूरा सिस्टम होता है, पूरा जो पर्पस होता है वो होता है आपकी फ्यूल सेविंग बचाने के लिए। मतलब इट इज यूज टू सेव द बर्निंग ऑफ द फ्यूल व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इसका जो बेनिफिट्स है वो है आपका बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और दूसरा है रिड्यूसिंग द रनिंग कॉस्ट ऑफ व्हीकल। मतलब आप चीप फ्यूल एफिशिएंसी बना रहे हैं व्हीकल की, जहाँ पे आपको अच्छा एक माइलेज मिलेगा, और दूसरा जो व्हीकल का रनिंग कॉस्ट है वो भी वहाँ पे आप कम कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए माइक्रो HEVs के केस में, तो यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप सिस्टम तो होता ही होता है। दूसरा, यहाँ पर हम यूज करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू स्टॉप द कम्बशन इंजन व्हेन द व्हीकल्स ट्राई टू पुल टू स्टॉप। और दूसरा केस क्या होता है, जब ड्राइवर एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करता है उस टाइम में व्हीकल जो होती है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। और जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी के सिस्टम में, मतलब पूरे मैकेनिज्म में, जो वहाँ पर क्या होता है, पूरे मैकेनिज्म सिस्टम में एक एनर्जी लॉस होती है, उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है बैटरी सिस्टम में, और वही स्टोर्ड एनर्जी से व्हीकल को दोबारा रीस्टार्ट करते हैं जब ड्राइवर एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करता है। एंड बेसिकली इस टाइप का जो सिस्टम है वो ज़्यादातर यूज़ किया जा सकता है आपका ट्रैफिक कंडीशन के केसेस में।
एंड इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ व्हीकल हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आपका महिंद्रा स्कॉर्पियो, जो यूज करती है माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, और महिंद्रा ने इसको अपना एक खुद का नाम दिया इंटेली हाइब्रिड्स। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का यूज होता है फ्यूल कंजप्शन को रिड्यूस करना अप टू 7% बाय असिस्टिंग द इंजन विथ इलेक्ट्रिक पावर ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन। और इस केस में क्या होता है, जो इंजन होता है वो 3 सेकंड्स के अंदर में टर्न ऑफ हो जाता है, जिससे हमको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। अब अगर हम बात करें ग्लोबल माइक्रो हाइब्रिड व्हीकल्स के केसेस में, तो वर्ल्ड वाइड जो माइक्रो हाइब्रिड व्हीकल्स आती हैं वो 2 टाइप की बैटरी कैटेगरीज पे बेस्ड हैं। फर्स्ट है आपका लीड एसिड बैटरीज और दूसरा है आपका लिथियम आयन बैटरीज। अब ये दोनों बैटरीज की डिपेंडेंसी पे जो एचईवीज आ रही है मार्केट में वो है आपकी 12 वोल्ट माइक्रो हाइब्रिड और 48 वोल्ट माइक्रो हाइब्रिड। दूसरा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ये सभी जगह माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आने लगे हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी, सबसे जो मेजर कंपनीज है वो है ऑडी, डैमलर, जनरल मोटर्स, पोर्शे, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा, हुंडई, फिएट, जगुआर, निसान, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लैंड रोवर, मज़दा एंड फुजी मोटर्स। ये सभी कंपनीज, लगभग सारी कंपनीज माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं अपने आने वाले सभी कार्स के अंदर। अब दूसरा हम चलते हैं माइल्ड हाइब्रिड की तरफ। तो माइल्ड हाइब्रिड को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे पावर असिस्टेड हाइब्रिड, बैटरी असिस्टेड हाइब्रिड, जिसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन होता ही होता है, साथ ही साथ वहां पर अटैचमेंट होती है आपकी मोटर और जनरेटर्स की इन अ पैरेलल हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन। अब वहां पर वन कन्वर्जन डिवाइस सप्लाइज प्रोपल्शन पावर्स टू द व्हील्स। और दूसरी चीज, दूसरी खास बात क्या है, जो उसके अंदर मोटर यूज की जाती है पैरेलल हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन में, उसका काम होता है इंजन को टर्न ऑफ कर देना व्हेनेवर द कार इज इन आइडियल कंडीशन या ब्रेकिंग कंडीशन में है, या कार को रुकना है, उस केस में वो मोटर जो वहां पर लगाया जाता है वो इंजन को टर्न ऑफ कर देता है। अब अगर माइल्ड हाइब्रिड के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर यूज किया जाता है स्मॉल बैटरी पैक और मोटर जनरेटर। अब ये दोनों मिलकर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जो यूज होता है हमारे इंटरनल कंबशन इंजन के पावर को बूस्टअप करने के लिए। अब दूसरी चीज, माइल्ड हाइब्रिड के केस में यहाँ पर यूज की जाती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, जो बैटरी चार्जिंग के काम में आती है। अब देखिए, रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी इज द कन्वर्जन ऑफ व्हीकल काइनेटिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी वेयर इट कैन बी यूज्ड लेटर टू ड्राइव द व्हीकल। अब मैक्सिमम ऑटोमेकर्स, मैक्सिमम ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है वो यूज करती है 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम विथ सम स्टैंडर्ड फीचर्स इन देयर व्हीकल मॉडल्स। अब इसका बेनिफिट भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो बेनिफिट्स क्या है, आपको यहाँ पर जो व्हीकल की कॉस्ट है वो आपको कम हो रही है, बट दूसरी तरफ जो व्हीकल का जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे कम हो रहा है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। अब देखिए, विद द इंक्रीजिंग डिमांड, मतलब इसका जो डिमांड है 48 वोल्ट का वो इंक्रीज हो रहा है, डिपेंड कर रहा है आपके कॉस्ट के ऊपर, फ्यूल के ऊपर और ग्रोथ के ऊपर। अगर इसको देखते हुए अगर हम बात करें तो विद द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ 48 वोल्ट्स ऑफ माइल्ड हाइब्रिड मॉडल्स फ्रॉम द ऑटोमेकर्स, द ग्रोथ रेट ऑफ द माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल्स इन द ग्लोबल मार्केट इज कंटिन्यू टू ग्रो पॉजिटिवली ड्यूरिंग द अपकमिंग व्हीकल एरा। मतलब आने वाले व्हीकल एराज में, मतलब कंटिन्यू कार की व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो ज़्यादातर 48 वोल्ट वाली जो माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जैसे एक एग्जांपल है आपकी टोयोटा, जिसने सोल्ड की अपनी फर्स्ट माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल 2002 में जापानीज मार्केट में। वहीं दूसरी तरफ मिनी और बीएमडब्ल्यू, ये दो कंपनीज ने यूज किए स्टार्ट स्टॉप सिस्टम विथ सम रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, जो कि बेचे गए यूरोपियन मार्केट्स में विथ 4 सिलेंडर इंजन एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। वहीं दूसरी तरफ सिट्रॉन एस प्रपोज अ स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, उसके बाद टोयोटा की लग्जरियस कार आई जैसे क्राउन, C2 एंड C3 मॉडल्स। उसके कुछ टाइम बाद द कॉन्सेप्ट कार एक लॉन्च हुई C5, जो कि इम्प्रूव वर्जन थी C2 और C3 की, और इसके अंदर यूज किया गया था आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, साथ में थे ट्रैक्शन असिस्टेंस फंक्शनैलिटी और अल्ट्रा कैपेसिटर फॉर एनर्जी बफरिंग। अब 2004 की अगर हम बात करें तो फॉक्सवैगन ने भी 2 माइल्ड हाइब्रिड कॉन्सेप्ट कार संघाई में लॉन्च किया। उसके साथ ही साथ सुजुकी ने भी अनाउंस किया सुजुकी बैलेनो
विथ इंटीग्रेटेड SHVS टेक्नोलॉजी। अब आगे चलते हैं और बात करें अगर फुल HEVs की, तो फुल HEVs को और भी नाम से हम जानते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या प्योर हाइब्रिड। अब देखिए, फुल HEVs के अंदर एक होता है आपका इंटरनल कम्बशन इंजन और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब यहाँ पर हम जो व्हीकल है उसको या तो पूरा इंटरनल कम्बशन इंजन के ऊपर चला सकते हैं या इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर चला सकते हैं। अब देखिए, इसका बेनिफिट एक और ये भी है कि यहाँ पर हम IC इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर को कंबाइन करके भी व्हीकल को चला सकते हैं। अब जो है फुल HEVs के अंदर एक होता है आपका लार्ज हाई कैपेसिटी बैटरी पैक का यूज़ किया जाता है, जिसके ऊपर हमारा जो कार है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक बेस्ड हो जाती है। बट यहाँ पर एक डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज बैटरी पैक्स तो हैं बट हमको वहाँ पे पावर भी अच्छा मिल रहा है, मतलब पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर का भी यूज़ किया गया है। बट जो डिस्टेंस कवर होती है वो बहुत ही कम डिस्टेंस कवर होता है, मतलब हम बहुत ही मिनिमम किलोमीटर तक चल सकते हैं। और दूसरी डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर लो स्पीड मिलेगा अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर पे चला रहे हैं तो। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको पावर बूस्टअप करना है तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इंजन को, जिससे हमको पावर ज़्यादा मिलेगा और हमारी व्हीकल्स की जो किलोमीटर है, जो हमारा डिस्टेंस है, वो ज़्यादा हम कवर कर पाएंगे विथ हाई स्पीड। अब देखिए, दूसरी इसकी डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, तो इसकी जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब एज कम्पेयर टू माइल्ड हाइब्रिड व्हीकल्स। और इसका एक एडवांटेज ये है कि हमें यहाँ पे बेटर फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी। दीज व्हीकल्स हैव अ डिवाइडेड पावर ट्रैक अलाउइंग द ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द ड्राइव ट्रेन बाय इंटर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखिए, इसकी जो हम अगर बेनिफिट की बात करें, इसका जो एडवांटेजेस है तो वो है कि आप बेटर इम्प्रूव फ्यूल कंजप्शन और रिड्यूसिंग द एमिशंस, मतलब यहाँ पे हम पॉल्यूशन तो डाउन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ फ्यूल की जो एफिशिएंसी उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव किया जा रहा है। इन व्हीकल्स के अंदर, प्योर हाइब्रिड व्हीकल्स के अंदर में जितनी भी अदर एसेसरीज हैं, जैसे AC हो गया, विंडोज हो गया, ऑडियो प्लेयर हो गया, ये सारे सिस्टम आपके चलते हैं किसके ऊपर, तो बैटरीज के ऊपर। अब प्योर हाइब्रिड सिस्टम को कुछ कंपनीज ने अपने अपने अलग अलग नाम से निकाले। अब अगर हम बात करें इंडियन मार्केट्स की, तो इंडियन मार्केट्स में टोयोटा ग्लैंजा, जिसने 1.2 K12N इंजन का यूज किया विद माइल्ड हाइब्रिड मोटर। दूसरा आता है MG हेक्टर, जिसने 1.5 लीटर इंजन का यूज किया विद 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। थर्ड आती है आपकी होंडा एकॉर्ड, जिसने यूज किया 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन विद लिथियम आयन इलेक्ट्रिक मोटर। वहीं और भी कुछ कार्स हैं, जैसे वॉल्वो XC90 जो ऑटोमेटिक हाइब्रिड इंजन के साथ आती है, 16.6 का इसका किलोमीटर पर लीटर का एवरेज है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर का भी यूज़ किया गया। उसके बाद आती है आपकी प्रियस हाइब्रिड, देन आफ्टर लेक्सस NX, फिर आती है BMW 7 सीरीज जो कि एक प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल है, और उसके बाद आता है लेक्सस LC जिसके अंदर यूज़ किया गया है अब हाइब्रिड पावर ट्रेन्स टू इलेक्ट्रिक मोटर्स विथ लिथियम आयन बैटरी पैक। और इंडियाज में अगर हम कैटेगरीज वाइज देखें, मतलब माइक्रो हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बेस्ड पे, तो माइक्रो हाइब्रिड के केस में आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो। उसके बाद माइल्ड हाइब्रिड में अगर हम देखें तो मारुति सियाज है, SHVS VDI। अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के केस में हम देखें तो टोयोटा कैमरी है हाइब्रिड वर्जन इंडिया में। अब बात करते हैं हम डिफरेंसेस, मतलब माइक्रो, माइल्ड और प्योर हाइब्रिड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको देखते हैं। तो माइक्रो हाइब्रिड के केस में जो इसके अंदर बैटरी टाइप यूज़ किया जाता है वो होता है आपका लीड एसिड बैटरीज विद 12 वोल्ट, और जो एनर्जी सेविंग कैपेसिटी है वो है 5-10%। और इसका बेस्ट एग्जांपल्स कार्स हैं BMW 1 सीरीज, Fiat 500, फोर्ड फोकस और सिट्रॉन C3। वहीं दूसरी तरफ अगर हम माइल्ड हाइब्रिड की बात करते हैं तो इसके अंदर जो बैटरी टाइप यूज़ किया जाता है वो होता है लिथियम आयन एंड निकल मेटल हाइड्राइड विद 48 वोल्ट, और जो इन कार्स की एनर्जी सेविंग कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी 20-30%। और बेस्ट एग्जांपल्स हैं BMW 7 सीरीज, होंडा सिविक, होंडा इनसाइट। और फुल HEVs की जो बैटरी होती है वो यूज़ करते हैं लिथियम आयन विद 200-300 वोल्ट, और इन कार्स की जो एनर्जी सेविंग कैपेसिटी होती है वो होती है 30-50%। एंड द बेस्ट एग्जांपल्स कार्स आर टोयोटा प्रियस, फोर्ड एस्केप हाइब्रिड एंड फोर्ड फ्यूजन हाइब्रिड। सो दिस ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ऑन माइक्रो, माइल्ड एंड प्योर हाइब्रिड व्हीकल्स। थैंक यू सो मच जॉइनिंग फॉर दिस सेशन।